इन दिनों ऑटो सेगमेंट के अंदर फोर व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो जो कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल्स कंपनियां वो अपनी गाड़ियों पे लगातार काम कर रही है। खासकर जो फेसलिफ्ट वर्जन जो नई नई गाड़ियों के सामने आ रहे हैं उनमें काफी अच्छी जो परफॉर्मेंस है या फिर कहें कि जो अपडेट्स है वो देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच किया ने भी अपनी एक जो पॉपुलर सब 4 मीटर एसयूवी है सोनेट, उसका जो फेसलिफ्ट है वो यहाँ पर अनवील किया है। काफी कुछ अपग्रेड इस गाड़ी के अंदर देखने को मिले हैं। इसी को लेकर आज जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ किया कि इस नई गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा। देखिए अगर बात करें अपडेट की तो इसमें न्यू डिजाइन ग्रिल है, अपडेटेड जो LED DRLs है, कनेक्टेड LED टेल लैंप के साथ नए अलॉय व्हील को यहाँ पर शामिल किया गया है, यानी गाड़ी को नया रूप देने की यहाँ पे कोशिश की है। वहीं इंटीरियर की अगर बात करें तो केबिन अपडेट में नया क्लाइमेट कंट्रोल पैनल और वेंटिलेटेड सीट और नई अब होलेस्ट्री को शामिल किया गया है, यानी अब वेंटिलेटेड जो सीट है वो भी गाड़ियों के अंदर मिलेगी और इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें भी काफी कुछ बदलाव किए गए हैं। और पहली बार सोनेट के अंदर 360 डिग्री जो कैमरा है वो यहाँ पर लगाया गया है, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एडवांस ड्राइविंग असिस्ट टेक्निक यानी अडास भी गाड़ी के अंदर मिलेंगे। तमाम जो बात जो सुविधाएं हैं इनकी अगर बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें तो 25 ऐसे नए फीचर्स हैं जिनमें सेफ्टी फीचर भी शामिल है, वो सब कुछ गाड़ी के अंदर मौजूद रहेंगे। कंपनी ने 14 दिसंबर को अपनी पॉपुलर SUV सोनेट का फेसलिफ्ट भी भारत सहित पूरे विश्व के अंदर अनवील किया था। कंपनी कार को अगले साल 9 कलर ऑप्शन के साथ अगले साल लॉन्च करेगी और फेसलिफ्ट किया सोनेट की अगर कीमत की यहां पर बात की जाए तो लगभग 8 लाख रुपए से इसकी कीमत जो शुरुआती बेस मॉडल होगा वो 8 लाख से शुरू होगा और लगभग 15-16 लाख तक जो एक्स शोरूम कीमत है वो फिलहाल यहां पर मानी जा रही है। किया सोनेट कार के इस अपडेट मॉडल के साथ ही कुछ शुरुआती कीमत में अब जो है लगभग 20,000 का इजाफा किया गया, यानी जो पुराना मॉडल था उसमें और नया जो फेसलिफ्ट है उसमें तकरीबन 20-30,000 का जो इजाफा है वो देखने में। दूसरी तरफ इसके टॉप वेरिएंट की बात करें तो लगभग 80,000 तक रुपए की जो कीमत है वो बढ़ा दी गई है। कार को 25,000 रुपए की टोकन मनी देकर फिलहाल यहाँ पर बुक किया जा सकता है। ऑल न्यू सेल्टोस के केबिन काफी अपग्रेड यहाँ पर देखा गया था, डैशबोर्ड में नया जो 10 इंच से भी बड़ा जो डिजिटल ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले था वो दिया गया था। ये जो सेल्टोस है इसमें कुछ ऐसी खासियत थी, सोनेट में भी कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। इसमें इसके अलावा कुछ ग्राफिक्स हैं जो नई सेल्टोस के यूजर इंटरफेस से मिलते जुलते इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। केबिन को अब ब्राउन कलर के साथ इंसर्ट के साथ ब्लैक आउट थीम भी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा 70+ ऐसे कनेक्टेड कार्ड फीचर के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम, टच स्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 4 तरह के पासवर्ड पावर्ड एडजस्ट वाले जो ड्राइवर सीट है वो यहाँ पर मौजूद रहेगी। 7 स्पीकर जो है गाड़ी के अंदर मिलेंगे, बॉस ऑडियो सिस्टम गाड़ी के अंदर रहने वाला है। इसके अलावा वायरलेस फोन चार्जिंग है, इनबिल्ट एयर प्यूरिफायर है, 360 डिग्री कैमरा है और एक वॉइस अपडेटेड सनरूफ भी गाड़ी के अंदर दिया गया है। ये गाड़ी के फीचर्स की बात हो गई, क्या कुछ गाड़ी के अंदर फीचर्स हैं। और अब अगर परफॉर्मेंस माइलेज की बात करें तो नई सोनेट में मौजूदा मॉडल में मल्टीपल इंजन और ट्रांसमिशन बरकरार रहेंगे। देखिए अगर बात करें तो एंट्री लेवल वेरिएंट में 82 BHP की पावर और 115 Nm का टॉर्क वाला 1.2 लीटर जो नेचुरली पेट्रोल इंजन है वो यहाँ पर मिलेगा, जो 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स के साथ होगा। वहीं अगर बात करें तो 118 BHP की पावर और 172 Nm के टॉर्क के साथ 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी गाड़ी के अंदर यहाँ पर दिया गया है, यानी पेट्रोल के अंदर दो अलग अलग ऑप्शन जो लोगों को है वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके साथ ही इसके अंदर दो ट्रांसमिशन ऑप्शन है, 7-speed ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक और 6-speed क्लचलेस मैनुअल के साथ ही गाड़ी यहाँ पर आएगी। उसके अलावा तीसरे ऑप्शन की अगर सोनेट की बात करें तो 250 Nm के साथ 114 BHP 1.5 लीटर डीजल है वो भी गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा। इसमें 6-speed क्लचलेस मैनुअल या फिर 6-speed टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विकल्प के रूप में गाड़ी को यहाँ पर पेश किया जाएगा। कार का पेट्रोल इंजन की अगर एवरेज की बात करें तो पेट्रोल का इंजन लगभग 18-18.5 के आसपास का माइलेज यहाँ पर दे सकता है, जबकि अगर डीजल इंजन की बात करें तो लगभग 22-23 का जो एवरेज है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अन्य गाड़ियों को लेकर अन्य कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं जो अपग्रेड होने वाली है, क्या कुछ उनमें फैसिलिटी मिलेगी, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा करेंगे अगले वीडियो के अंदर। फिलहाल के लिए आप बने रहिए मेरे साथ।